नमस्कार दोस्तों, आज हम तीन स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे, डीएलएफ, डीएचएफएल और फ्यूचर रिटेल। तो ये तीनों ही स्टॉक्स काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, तो इसलिए हम इनमें क्या न्यूज़ चल रही है इसको देखेंगे और चार्ट के माध्यम से इनका एनालिसिस करके इनके फ्यूचर टारगेट्स को देखेंगे और ये देखेंगे कि इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन होती है, तो इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और हमारे वीडियोज़ केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं, ये किसी भी तरह से ट्रेड रिकमेंडेशन या टिप नहीं है। आइए दोस्तों, अब हम चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा कि डीएलएफ को लेके ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं। तो उनको कहना है कि ये 330 से 230 तक करेक्ट हुआ है और यहाँ पे उसको 200 डे का ईएमए जो है उसका सपोर्ट मिला है और आरएसआई में भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि इसको हम 238 से 242 के बीच में खरीदें, 230 का स्टॉप लॉस और अपसाइड पोटेंशियल 256 रुपये का। तो क्या ये चीज़ सही है कि नहीं है, उसको हम आगे आने वाले चार्ट्स के थ्रू और डिटेल में देखेंगे। साथ ही दोस्तों, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने भी कहा है कि आप डीएलएफ, ओबेरॉय रियल्टी और एम्बेसी, ये सारे स्टॉक्स को खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि उसका भी मेजर रीज़न ये है कि लॉकडाउन की खबरें आई थी तो उसकी वजह से ये सारे स्टॉक्स काफ़ी डिप हुए थे। और अब वैक्सीनेशन जब से चालू हुई है कि 18 साल से ऊपर लोग को लगेगी, तो लोगों के मन में काफ़ी वापस पॉजिटिव थिंकिंग आई है, तो लोग मान के चल रहे हैं कि मार्केट हमारा उतना डाउन नहीं जाएगा जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 12,500 तक ये वापस जाएगा, बट अभी लोग मान के चल रहे हैं कि 14,000 के नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए वो पॉजिटिविटी वापस मार्केट में आ रही है। तो इसी वजह से इन स्टॉक्स में भी अब दोबारा आपको उम्मीद है कि हो सकता है बाइंग देखने को मिले। अगर मैं दोस्तों चार्ट के माध्यम से इस स्टॉक को देखूं तो दोस्तों ये अभी प्रेजेंट लेवल पे है। यहाँ पे पहले एक टाइम ये रेजिस्टेंस, आप ये एरिया दिसंबर में रेजिस्टेंस था, फिर उसका ब्रेकआउट हुआ, फिर ये स्टॉक वही आपका जैसे 325 के आसपास तक गया और अभी ये यहाँ पे इसने फिर से वापस सपोर्ट लिया 230 के आसपास से और अभी ये स्टॉक 241 रुपये के आसपास है। तो इस प्राइस पे इस स्टॉक को हम खरीद सकते हैं, अच्छी प्राइस पे मिल रहा है। 330 रुपये का स्टॉक हमें 240 रुपये में मिल रहा है, तो एक हमें सीरियस कंसिडरेशन देना चाहिए इस स्टॉक को। और स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ पे बॉलिंगर बैंड के थ्रू प्राइस एक्शन सजेस्ट कर रहा है 230 रुपये का, बॉलिंगर बैंड सजेस्ट कर रहा है करीब 225 रुपये का। तो मेरे ख्याल से आप 225 रुपये के स्टॉप लॉस के संग इसमें ज़रूर आप पोजीशन बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गैप भी क्रिएट हुआ है, इसको भी फिल करेगा तो वो 270 तक का टारगेट तो हमें पहला टारगेट लेके चलना चाहिए, दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 300 तक का लेके चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 300 के आसपास। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऐसा चाहिए न्यूट्रल जोन में है, वॉल्यूम ठीक ठाक है, थोड़ी बाइंग होती है फिर सेलिंग हो रही है, रिसेंट कुछ दिनों में सेलिंग ज़्यादा देखने को मिली है। दोस्तों हमने जो डिस्कस किया है उसको मैं फटाफट समराइज कर देता हूँ। तो दोस्तों इस स्टॉक को आप बाई एट सीएमपी पे कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाइएगा आप 225 रुपये का और टारगेट वन हम लेके चल रहे करीब 270 के आसपास और टारगेट टू हमारा रहेगा 300 के आसपास। तो ये है मेरी स्ट्रेटजी इस स्टॉक को लेके। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो 350 से 400 तक के टारगेट्स के लिए भी एम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसका 5 ईयर चार्ट देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस लेवल के ऊपर 280 के ऊपर इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। आइए दोस्तों अब हम फ्यूचर रिटेल्स को देख लेते हैं। तो फ्यूचर रिटेल्स का जो प्लान था डेप्थ रीस्ट्रक्चर करने का, वो आरबीआई के थ्रू अप्रूव हो गया है, जिसको कि मिस्टर कामत जी ने लीड किया था। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है फ्यूचर रिटेल को लेके। साथ ही दोस्तों, और इसके बाद अगर होगा ऑफ री, जो इनके भी आपके लेंडर्स से जिन्होंने इसे पैसा दिया था, तो अगर इनका एसेट, वो भी कह रहे हैं कि एसेट सेल अगर रिलायंस इंडस्ट्री को हो जाता है तो ये अपना डेप्थ रिकैट प्लान्स को फिर आप कह सकते हैं वो विड्रॉ कर लेंगे, और अगर नहीं हुआ तो डेप्थ रिस्ट्रक्चर प्लान इनका चलता रहेगा जो कि आरबीआई के थ्रू भी अप्रूव हो चुका है। यहाँ पे देखिए, लेंडर्स ऑफ फ्यूचर रिटेल लास्ट वीक एग्री टू एक्सटेंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स बाई अप टू 2 ईयर। और इसमें फ्यूचर की वो रेटिंग्स भी रिवाइजेस पॉजिटिव आउटलुक ऑन फ्यूचर रिटेल अफर्म्स रेटिंग एट सी। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव न्यूज़ है कि इनकी वो रेटिंग तो नहीं है, और थोड़ा सा यहाँ पे
आप अगर और डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे ये लोग अपनी रेटिंग्स निकालते हैं, रिकवरी रेटिंग RR4 से RR5 हो गई है। तो ओवरऑल थोड़ी सी ये नेगेटिव न्यूज़ है, बट ऐसा भी कुछ खास ये नेगेटिव नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर रिटेलर ने अपना चालू किया है यहाँ पे क्विक ऑनलाइन डिलीवरीज इन पेट ऑन ई कॉमर्स, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है क्योंकि ये नई जगह अपने आप को ग्रॉफर्स और आप बिग बास्केट इन सबको भी टक्कर देने के लिए ये तैयार है। और ओवरऑल तो फ्यूचर रिटेल कितना बड़ा ब्रांड है हम सभी को पता है इनका बिग बाजार के बारे में। आइए चार्ट पे देख लेते हैं दोस्तों, एज सच क्योंकि ये न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है तो चार्ट पे देखने से ज़्यादा कुछ, ये टेक्निकल्स के हिसाब से तो चलता नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। RSI हमारी ओवर बॉट ओ सॉरी न्यूट्रल जोन में है, एक टाइम ओवर सोल्ड जोन में चली गई थी, फिर यहाँ से बाउंस दिखाया ऐसा। अभी यहाँ पे कुछ एकदम क्लियर पिक्चर चार्ट से नज़र आ नहीं रही है। अगर हम थोड़ा सा 1 मंथ का मैं चार्ट देखूँ तो आप इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, जो कि रहेगा हमारा मात्र आप कह सकते हैं 44 रुपये का, तो छोटे से 10% का करीब। और लेकिन जो इसमें हमारे टारगेट्स है वो बहुत बड़े हैं, पहला टारगेट तो हमारा ईजिली 70 रुपये के आसपास निकल के आ रहा है। तो इसमें दोस्तों आप पोजीशन बनाइए, प्रेजेंट प्राइस पे खरीदिए, 44 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए और 70 का टारगेट रखिए, ये एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। और फिर उसके बाद जो दूसरा टारगेट रहेगा वो 80 रुपये का रहेगा, मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो। तो आप बाई एट CMP कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 44 और टारगेट 70 और फिर 80 के तक का हम लेके इसमें कर सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसमें भी बहुत बेहतरीन है, DLF में भी काफ़ी सही था और आगे आने वाले DHFL में भी काफ़ी सही रहेगा। आप सभी को दोस्तों पता होगा कि DHFL में जो है एक साल से काफ़ी इसमें खबरें आई थी कि इसके जो भी प्रमोटर्स हैं उन्होंने फेक अकाउंट्स बना के फालतू में लोन्स के पेपर दे के पैसा ट्रांसफ़र किया था, तो इसमें काफ़ी टाइम से, इसीलिए मेजर रीज़न यही है इस स्टॉक के गिरने का कि ये रिकवर नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे देखिए फेक अकाउंट्स फ्रॉड ब्रोकर्स यूज टू ट्रांसफर के ऑडिट में मिला था। लेकिन जो इनके लिए अभी पॉजिटिव न्यूज़ आई है वो ये आई है कि पिरामिड इंटरप्राइजेस ने कहा है कि वो DHFL को खरीदेंगे, तो उसके लिए उन्होंने 2500 करोड़ की व्यवस्था भी स्टार्ट करना चालू कर दी है SBI यूनियन बैंक इंडियन बैंक और इन सब से, क्योंकि इसमें पिरामिड इंटरप्राइजेस को काफ़ी स्ट्रेटेजिकली फ़ायदा होगा, इनका रिटेल लोन शेयर भी आ जाएगा 75% के आसपास, क्योंकि DHFL मेनली रिटेल लोन्स में ज़्यादा बड़ा था। और आप सभी को पता होगा एक टाइम इनके बड़े बड़े हमारे फिल्म स्टार्स भी DHFL के काफ़ी ब्रांड एम्बेसडर भी थे। बाकी ये SBI बुक्स ने प्रमोटर्स को भी बुक किया था पिछले महीने क्रिएटिंग फेक अकाउंट्स क्योंकि बने थे। तो आप इस स्टॉक को अगर पहले आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म में देखना जरूरी है इस स्टॉक को एक टाइम, क्योंकि इस स्टॉक की बहुत अच्छी वैल्यू थी। ये स्टॉक हमारा 400, 500, 700 रुपये तक भी गया था, फिर प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुई तो फिर ये स्टॉक गिरता रहा और ऐसा गिरा कि अभी तक ये रिकवर ही नहीं कर पाया, और कब कर पाएगा हमें भी नहीं पता। बट हमारे देखना है कि हमारे पास पैसा बनाने की कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक एरिया था, फरवरी में भी इसके पास ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं थी, सेम प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उसके बाद भी उसने 13 रुपये से अच्छा बाउंस बैक दिखाया था 24-25 रुपये के आसपास तक, फिर इन्हें यहाँ पे फिर से ये इसी एरिया के आसपास चल रहा है। तो मेरा मानना है बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के संग इसमें पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक मिनट में छोटा चार्ट खोल देता हूँ 1 मंथ का, तो ये जो एरिया है मेरा मानना आप 13 रुपये 35 पैसे है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 13 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है और नई पोजीशन आप बना सकते हैं इस स्टॉक में, जो कि बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस 3 से 4% का हार्डली आपका रहेगा। लेकिन हमारे जो इसमें टारगेट्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। पहला टारगेट देखिए दोस्तों हम यहाँ तक देख रहे हैं 19 रुपये और फिर 24 रुपये और फिर हम 32 रुपये तक के टारगेट्स देख रहे हैं, क्योंकि हम अभी नहीं पता कि पिरामल इंटरप्राइजेस का जो एक्विशन वाला इंपैक्ट है वो कितना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म में आप अपने जो भी पोर्टफोलियो की छोटी सी अमाउंट इसमें लगा सकते हैं, रिस्की स्टॉक है तो इसलिए छोटा सा स्टॉप लॉस रखिएगा। बाई एट CMP आप कर सकते हैं, स्टॉप लॉस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है छोटा सा 13 रुपये का, और अगर आप थोड़ा सा और आपका रिस्क एबिलिटी ज़्यादा है तो आप 12.5 रुपये तक का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। टारगेट इसमें जो हमारे हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, 20 रुपये है, फिर 24-25 रुपये के आसपास है, सॉरी 35 रुपये तक भी ये स्टॉक हमारा जा सकता है। तो ये दोस्तों इस स्टॉक, ये थी मेरी एनालिसिस इन तीनों स्टॉक्स को लेके, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम ट्विटर फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है।
आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द आपके कमेंट्स पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।